So, hello friends, good morning. This is Vikas Mangal, scientist, genetics and confidence. So, today I will talk about the topic base editing. Okay, and मैंने यहाँ लिखा था beyond genome editing. ठीक है, genome editing की मैं already 5 to 6 video I already uploaded, तो उनको आप पहले जरूर देखें. genome editing क्या है, genome editing के type क्या है. अब मैंने यहाँ पे टर्म लिखा बियॉन्ड जीनोम एडिटिंग, मतलब कि जीनोम एडिटिंग की जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे तो वो जीन फिंगर न्यूक्लियस जेलेफेन हो, चाहे टेरेन हो, चाहे क्रिस्पर कैस नाइन हो, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी. मैं बात करूंगा लिमिटेशंस की, जिसके कारण आपकी जो टेक्नोलॉजी आई है उसे बोला है बेस एडिटिंग. ठीक है, बेस से पता चला है कि न्यूक्लियोटाइड बेस मतलब कि, और उसको एडिट कर रहे हैं हम, एक इंडिविजुअल बेस को एडिट कर रहे हैं जो कि जीनोम एडिटिंग से शायद नहीं कर पा रहे थे, तो उसलिए हम उसे हमने नाम दिया बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी. तो इस पे हम आते हैं. उससे पहले देखिए, यदि मैं क्रॉप इंप्रूवमेंट के टर्म में बात कर रहा हूं, देखिए क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी आई, देखिए सबसे पहले आपको क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन आया, कि हमने पेरेंट सेलेक्ट किए, उनके बीच में क्रॉस करके F1 आया, F1 से हम चल चल के कहां तक गए, F6 पे हमने वैरायटी रिलीज की. ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि आपको डाइवर्स पेरेंट सेलेक्ट करने पड़ते थे और वैरायटी रिलीज में आपको कई सारा ज्यादा टाइम लग जा था, और हमें जो नए रिकॉम्बिनेशन इवेंट है, मतलब हम क्रॉसिंग करा रहे थे और नए रिकॉम्बिनेशन इवेंट को यूज कर रहे थे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था. तो हमने क्या किया कि इस टाइम प्रोसेस को कम करने के लिए हम किस पे गए, म्यूटेशन ब्रीडिंग पे गए, कि भाई आप कम समय में वैरायटी रिलीज करो, तो हम फिजिकल म्यूटाजन, केमिकल म्यूटाजन यूज कर करके हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी यूज की. और आपको पता होगा कि 1980 का ऐसा दौर था जहाँ पे सबसे ज्यादा चरम पर थी कई सारी वैरायटी डेवलप हुई. ठीक है, लेकिन बाद में क्या देखा गया कि भाई म्यूटेशन ब्रीडिंग में तो सबसे अच्छा हमें, मतलब कि मैक्सिमम म्यूटेशन रिसेसिव होते हैं, तो आपके जो वेरिएशन म्यूटेशन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन चाहिए थी. दूसरा कि इससे रैंडम म्यूटेशन क्रिएट हो रहे थे, मतलब कि जैसे इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, तो उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं थी. फिर उन्होंने कहा गया कि भाई आप ट्रांसजेनिक कुछ करो. हम किस पे गए, 1983 में फैले ने टोबैको में ट्रांसजेनिक बनाया, कि बाहर से हम फॉरेन जीन इंसर्ट कर रहे थे. ठीक, तो इन जो स्टार्टिंग की जो टेक्नोलॉजी उनमें क्या था कि जैसे म्यूटेशन ब्रीडिंग सेक्सुअली जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप उनके लिए अच्छी नहीं थी. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम थी कि जो सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबल स्पीसीज हैं या वाइड हाइब्रिडाइजेशन हम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो हम ट्रांसजेनिक में गए जिसने कि पूरे जो सेक्सुअल बैरियर थे, ठीक है, जो भी सेक्सुअल बैरियर थे उनको खत्म कर दिया. तो हम जीन किसके बीच में ट्रांसफर करने लग गए, चाहे प्लांट प्लांट के बीच में हो, चाहे प्लांट और एनिमल के बीच में हो, किसी के बीच में था. ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब ट्रांसजेनिक डेवलप कर रहे थे, तो जो हमने ट्रांसजेनिक से वैरायटी डेवलप करी उन्हें हम बोलने लगे जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या जीएमसी, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही थी ट्रांसजेनिक में, कि कई सारे एथिकल इश्यूज आ रहे थे, कि भाई बहुत ज्यादा रेगुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसजेनिक वैरायटी में गुजरना पड़ रहा था. इसी कारण आपने देखा होगा कि इंडिया में बीटी कॉटन तो आ गया, लेकिन बीटी ब्रिंजर को रिलीज नहीं होने दिया, और जो यूरोपियन कंट्रियां थी, यूरोपियन कंट्रियों ने तो ट्रांसजेनिक के बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगा रखे थे. ठीक है, अब देखो फिर क्या किया गया, हम चले इन जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी में. ठीक है, सबसे पहले जैसे देखो ये ईयर कुछ भी हो सकता है, 2005 मैंने देखा है, क्या पता 2006 भी हो. तो मैंने अपने कुछ पेपर्स जो हैं वो मैंने रेफर किए थे, जैसे टीके गुप्ता सर का पेपर रेफर किया है मैंने, कुंडलिंग चैन का, और ये कुछ बाहर के पेपर्स हैं, तो इसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. ठीक है, तो हमने कहने लगे कि ठीक है चलो भाई ट्रांसजेनिक की प्रॉब्लम है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बाहर से जीन इंसर्ट नहीं करते, अंदर ही जो जीन है उन्हीं को हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं. तो हमने टेक्नोलॉजी बनाई जेलेफेन जीन फिंगर न्यूक्लियस, जो 2005 में आई जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, मैं ऑलरेडी जेलेफेन के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर. ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि भाई हमने जीन फिंगर्स लिए दो, और उसमें एंडोन्यूक्लियस लिया, जो सीक्वेंस स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस था फॉक वन, वो जब डाइमर फॉर्मेशन करता है तो वो अपना एडिटिंग करता है. ठीक, बाद में जेडएफएन को रिप्लेस किया टेरेन टेक्नोलॉजी आई 2010-11 के समथिंग, उसमें भी सेम क्या था, जेडएफएन की जगह वहां पे दो टेल थी राइट और लेफ्ट में, और बीच में फॉक वन एंडोन्यूक्लियस था, वो डायमर फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये टेक्नोलॉजी टेरेन. ठीक है, बाद में जो जीनोम एडिटिंग उसकी तीसरी जो टेक्नोलॉजी थी जो सबसे ज्यादा यूज हुई थी वो कौन सी आई, क्रिस्पर कैस9. ठीक है, अपनी क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पर्स पैलिंड्रोमिक रिपीट, और कैस9 क्या था, एंडोन्यूक्लियस था. तो ये टेक्नोलॉजी आई 2013 के समथिंग. ठीक है, और बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया गया. ठीक है, जब से 2013 से और 2096 ईयर में इसके कई सारे पेपर्स के पब्लिश हो चुके हैं. ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा यूज हुई. ठीक है, अब बाद में देखा गया कि जो कैस9 था, ठीक है, उसकी जो मतलब वो केवल कुछ ही टारगेट लोकेशन पे कट कर पा रहा था, नॉन कैनोनिकल पे नहीं कर पा रहा था, तो हमने क्रिस्पर कैस9 को क्रिस्पर सीपीएफ1 से रिप्लेस किया.
ठीक है, बस ये कि किस बैक्टीरिया से हम वो एंडोन्यूक्लियस ले रहे हैं उसके आधार पर उसके नाम चेंज है। ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है उसमें दो क्लास होती है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, और क्लास सेकंड होती है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, अब बात क्या आती है, वो जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी थी आप सबने सुनी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, जीनोम एडिटिंग की बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, अब यहां से मैंने कहा कि मैंने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को कुछ इंप्रूवमेंट किए, तो अपना यहां से क्या कंसेप्ट आया, बेस एडिटिंग का है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि भाई जो ये जीनोम एडिटिंग की क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा यूज हुई उसमें प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे बड़ी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है क्रिस्पर में, कि देखो वैसे तो आपको पता ही होगा क्रिस्पर में क्या होता है, Cas9 होता है, न्यूक्लियस एक इसमें क्या होता है क्रिस्पर, जो क्रिस्पर है वो क्या क्रिस्पर आरएनए होता है। ठीक है, एक होता है आपका पीएम प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव, ठीक है, और एक होता है Cas9। तो ये Cas9 का काम क्या होता है, ये जो गाइड आरएनए, एक होता है इसमें गाइड आरएनए जो हम बाहर से सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये गाइड आरएनए और क्रिस्पर आरएनए जो होता है Cas9 इसको उस जीनोम पर ही लेके जाता है जिसको एडिट करना है। ठीक है, ये जनरल टेक्नोलॉजी। अब इसमें कमी क्या थी, इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो क्रिस्पर कैप था उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। एफिशिएंसी कम थी मतलब कि जो क्रिस्पर जो प्रोडक्ट बना रहा था उसमें कुछ ऑफ साइट ऑफ टारगेट म्यूटेशन हो जा रहे थे, ऑफ साइट मतलब जहां हमें करने वहां नहीं होगा, कुछ अलग जगह हो जा रहे थे। ठीक है, दूसरा कि क्रिस्पर की हेल्प से हम एक स्पेसिफिक सिंगल बेस को चेंज नहीं कर पा रहे थे, सिंगल बेस को चेंज करना बहुत टफ था क्रिस्पर की वजह से। ठीक है, और कई सारी वो थी कि कुछ जैसे आपने जब मैंने क्रिस्पर की मैंने वीडियो बनाई है आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, क्रिस्पर में जो पाम सीक्वेंस था, ठीक है, ये पाम प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव, ठीक है, ये सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, ये सीक्वेंस नहीं है तो आप जीनोम एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब और भी कई सारे इसके वो थे ड्रॉबैक, हम आगे देखेंगे उन सबको पूरा जो किया उसने, किसने किया, बेस एडिटिंग। ठीक है, ये न्यू टेक्नोलॉजी आई, मैं मानता हूं कि 2016 में ये आई और 2016 से अब तक मोर देन 100 पेपर्स के बेस एडिटिंग के पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है ना, तो अब मैं बात करने वाला हूं इसमें पूरी बेस एडिटिंग की, ये मैंने आपको बस एक ओवरऑल बता दिया। ठीक है, और देखो एक चीज और ये था, जैसे मैं बताऊं आपको कि जो कुछ कंट्री है जैसे यूरोपियन कंट्री है उन्होंने तक ये कह दिया था, वैसे तो देखो जो जीनोम एडिटिंग है ZFN, TALE और CRISPR Cas9 इनको कोई रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, मतलब कि इन टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कमर्शियलाइजेशन के लिए कोई रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रियां फिर भी नहीं मानती थी, जैसे यूरोपियन कंट्री वो करीब नहीं इनके प्रोडक्ट को भी रेगुलेटरी सिस्टम से भेजना पड़ेगा, क्योंकि बेस एडिटिंग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, इसमें किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, कोई आप बाहर से फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्योर बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2016 में जो डेविड हुई थे, ठीक है, डेविड हुई का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप बेस एडिटिंग का रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर जरूर पढ़िएगा, मैं पीके गुप्ता सर का, और इसके अलावा मैं 2-3 रिव्यू पेपर और फॉलो किए, तो आप पीके गुप्ता सर का भी पढ़ेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो अब मैं प्योर बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और ये भी बता देता हूँ कि कोई आपके इंटरव्यू में पूछ लेता है कभी कभी कि सर जो जीनोम एडिटिंग है उसके क्या कोई प्रोडक्ट के आप एग्जाम्पल बता सकते हो जो कि चल रहे हो। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं मेरे काम है व्हाइट मशरूम है, आप इंटरव्यू में जवाब दे सकते हो कि सर व्हाइट मशरूम मतलब क्या था कि जो ये मशरूम होता है जब आप इसको स्टोर करते हो तो जो व्हाइट मशरूम है उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, पीपीओ एंजाइम होता है, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम का, तो जीनोम एडिटिंग के थ्रू इस पीपीओ जीन के सप्रेशन को रोका गया और जब इस व्हाइट मशरूम को जो स्टोर किया गया तो उसका कलर ब्राउन चेंज नहीं हुआ। ये कमर्शियलाइज प्रोडक्ट है, अमेरिका में चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो जो ड्यूपॉन्ट कंपनी है, जो ड्यूपॉन्ट कंपनी है उसने एक वैक्सीकॉन बनाया, वैक्सीकॉन जो कि ये ऐसा कॉन था जो कि ड्रॉट कंडीशंस में भी अच्छी यील्ड दे रहा था, लेकिन इसको अभी कमर्शियलाइज नहीं कर पाएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, और देखो एक चीज और, जैसे जीनोम जो एडिटिंग है, जैसे आपने क्या किया कि जो Cas9 होता है उसके अंदर, ठीक है, और गाइड आरएनए होता है तो, और हम क्रिस्पर आरएनए होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं एक्चुअली में, ये क्या सारी चीजें क्या करती हैं, जब ये जीनोम डीएनए पे अटैक करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं डीएसपी करते हैं, ये क्या करते हैं डीएसपी मतलब डबल स्टैंडर्ड ब्रेक क्रिएट करते हैं। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जब क्रिएट करते हैं उसके बाद इसकी रिपेयरिंग होती है, उसी से म्यूटेशन होगा। तो रिपेयरिंग दो तरीके से होती है, ये बहुत पूछा जाता है, NHEJ और HDR। NHEJ होता है नॉन होमोलोगस एंटीजॉइनिंग और ये होता है होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर।
जैसे मान लो कि कोई ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें मान लो कि आपका ब्रेक हुआ, तो अब मान लो कि इसके पास कोई भी होमोलोगस सीक्वेंस नहीं रिपेयरिंग के लिए, तो कौन सी पेयरिंग होगी? नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग होगी। और मान लो इसके पास कोई टेम्पलेट है, मतलब मैं कहूँ कि इसके पास कोई होमोलोगस टेम्पलेट है दूसरा, तो ये इसकी हेल्प से क्या करेगा? रिपेयर कर लेगा। तो बोलते हैं होमोलोगस डायरेक्ट रिपेयर। ठीक, जो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग है ये एचडीआर से कंप्लीट करती है और ये ग्रेटर अमाउंट में होती है, ये आपको कई पेपर में लिखा मिलेगा। दूसरा, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग ज्यादा होती है, तो इससे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये इससे आपके इंडेक्स क्रिएट होते हैं। इंडेक्स मतलब स्मॉल इंसर्शंस डिलीशंस ट्रांसलोकेशन, ये क्रिएट होते हैं इससे एनएचजीएस। ठीक है, और ऑफ टारगेट, कुछ ऑफ टारगेट प्रोडक्ट भी बनते हैं इससे, ऑफ टारगेट प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है, अब जो एचडीआर है वो आपकी प्रिसाइज है, प्रिसाइज मैनर मतलब कि इससे सही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर जब होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर से प्रिसाइज प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें जीनोम एडिटिंग में तो हमें बेस एडिटिंग की जरूरत क्या है? जरूरत है, ये जरूरत है कि एक्चुअली में जो होमोलोगस जो डीएनए जो हम बाहर से मान लो इंसर्ट करा रहे, एक तो उसकी डिलीवरी बहुत टफ है, कि प्लांट के अंदर एंटर कराना बहुत टफ है। ठीक है, किसकी? एचडीआर की, क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, ये बहुत ज्यादा टफ है। और दूसरा, हम क्यों मतलब होमोलोगस डीएनए पे डिपेंड रहे, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है ना, तो इसीलिए इन सारे जो ड्रॉबैक्स हैं जो आप देख रहे हो, मैं तो बता रहा हूं, उन सभी की कमी कौन पूरा करने वाला है? बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी पूरा करने वाली है इसकी। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, बेस एडिटिंग के ऊपर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए ये ड्रॉबैक याद रखिएगा, ये बहुत आप कभी भी याद रखिए, इंटरव्यू में जाएंगे या फिर किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बेस एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी आई है वो क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप पेपर जरूर पढ़िएगा इसका। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब एक चीज बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अब बेस एडिटिंग आई, मतलब कि जो जीनोम एडिटिंग थी उसके कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे कहा गया कि भाई एक हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए। हाइब्रिड सिस्टम मतलब, हाइब्रिड का मतलब होता है दो से कंबाइन करना। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जो जीनोम एडिटिंग में जो कैस नाइन है, जो ये एंडोन्यूक्लिक प्रोटीन है, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है? डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, सही है। तो इन्होंने क्या किया, और दूसरा जो बेड जो मैं अभी बेस एडिटिंग की बात करने वाला हूं, ये बेस एडिटिंग से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पेसिफिक बेस को अल्टर करे, स्पेसिफिक बेस को अल्टर करे। ठीक है, ये लाइन याद रखो। दूसरा, कैस नाइन डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करता है, ये याद रखो। अब ये क्या कहते हैं कि इस जो जीनोम एडिटिंग की जितनी भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए था? एक हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए था। तो ये हाइब्रिड सिस्टम क्या था? देखो, ये हाइब्रिड सिस्टम ये था कि जो बेस एडिटिंग है उसके अंदर क्या होता है, या फिर इस हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, ये कहता है कि जो ये कैस नाइन है ना, पहले तो आप इसकी एक्टिविटी को रोक दो, मतलब डिसेबल कर दो। लेकिन कैस नाइन का होना बहुत जरूरी है। देखो, कैस नाइन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे मान लो ये आपका टारगेट ये है, ये आपका मान लो कैस नाइन है। ठीक है, ये मान लो आपका क्या है? कैस नाइन है। तो जो आपके क्या है, जो गाइड आरएनए आपके या जो दूसरा सीक्वेंस है, ठीक है, उनकी लैंडिंग कराता है ये किस पे? अपने टारगेट डीएनए पे। कैस नाइन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि क्रिस्पर कैस नाइन होता है, वो बैक्टीरिया में होता है। ठीक है ना, जो कि उनके जो भी उनको अटैक करते हैं उनसे उनको सुरक्षा देता है। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा कि हाइब्रिड सिस्टम डेवलप होना चाहिए, जैसे बेस एडिटिंग कहा गया। तो हाइब्रिड सिस्टम में तो दो चीज होनी चाहिए, क्या? पहला ये कह रहे हैं उसके अंदर होनी चाहिए न्यूक्लियस, यहां से बेस एडिटिंग चालू हो रही है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस डेफिशिएंट क्रिस्पर कैस नाइन, न्यूक्लियस डेफिशिएंट क्रिस्पर कैस नाइन होना चाहिए, प्लस ये वर्टिब्रेट, यहां से ये चीज ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं टाइम लेके समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। एआईडी, ठीक है, एआईडी की का मतलब हो गया एक्टिवेशन इंड्यूस डीएमिनेशन। ठीक है, एक्टिवेशन इंड्यूस डीएमिनेशन, एक्टिवेशन इंड्यूस डीएमिनेशन। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे आपसे क्या कह रहा हूं, ये समझिएगा कि हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए, क्या? न्यूक्लियर डेफिशिएंट क्रिस्पर कैस नाइन सिस्टम प्लस वर्टिब्रेट एआईडी एक्टिवेशन इंड्यूस डीएमिनेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, ये कह रहा है कि न्यूक्लियर डेफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि जो ये कैस नाइन तुम यूज कर रहे हो इसमें जीनोम एडिटिंग में, इसको डिसेबल्ड कर दो, मतलब कि ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक नहीं कर पाए, इसकी बस इस एक्टिविटी को रोक दो। तो उस जगह इसलिए जो बेस एडिटिंग में जो कैस नाइन यूज होता है उसको हम बोलने वाले हैं आगे से क्या? डी कैस नाइन।
ये याद रखो पहली बात, डी कैस नाइन, ठीक है, मतलब डिसेबल कैस नाइन। कैस नाइन की एक्टिविटी जो डबल स्टैंड ब्रेक करने की थी वो रोक दी, तो हम क्या बोलने वाले, डिसेबल कैस नाइन, पहला चीज। दूसरा, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं बड़ी अच्छी, कि जैसे बैक्टीरिया में क्रिस्पर कैस सिस्टम होता है जो कि उनके ऊपर जो अटैक करते हैं उनसे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ऐसे ही जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स अपने डिफेंस के लिए जो भी इन्वेडर्स इन पर अटैक करते हैं वो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, वो सिस्टम यूज करते हैं एआईडी, एक्टिवेशन इंड्यूस डीएमिनेशन। ये क्या करते हैं कि जो भी इनके ऊपर अटैक करता है, मान लो ये आपका वर्टिब्रेट है, ये आपका क्या वर्टिब्रेट है, ठीक है, कोई भी जो इन्वेडर्स है उसने इनके ऊपर क्या किया, अटैक किया, तो ये वर्टिब्रेट क्या करते हैं, इनके अंदर एंजाइम होता है डीएमिनेज, डीएमिनेज एंजाइम होता है, और मेन एंजाइम होता है साइटोसिन डीएमिनेज। तो ये क्या करते हैं वर्टिब्रेट, जो इस इन्वेडर का जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है, उसको यूरेसिल में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, यूरेसिल में, और उसको खत्म कर देते हैं। याद रहेगा जो वर्टिब्रेट होता है उसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जो भी इन्वेडर्स अटैक करते हैं अपने एंजाइम होता है साइटोसिन डीएमिनेज, उससे ये साइटोसिन को किसमें चेंज कर देते हैं, यूरेसिल में चेंज कर देते हैं और इनको रोक देते हैं। अभी इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या किया, तो ये कह रहा है कि जो हाइब्रिड सिस्टम उसमें क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस डेफिशिएंट तो क्रिस्पर कैस9 सिस्टम होना चाहिए, प्लस वर्टिब्रेट का ये सिस्टम होना चाहिए, कौन सा, एआईडी वाला। अब देखो फायदा क्या है, अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है पता आपको, ये अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा था, अब मैं आपको समझाता हूं, ये कहना चाह रहा है कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम हो बेस एडिटिंग में कि जो हमारा टारगेट डीएनए वो उसमें कट नहीं हो पूरा, क्यों, क्योंकि उससे ऑफ टारगेट प्रोडक्ट ज्यादा बनने तो नहीं हो, और क्या हो, स्पेसिफिक बेस चेंज हो, स्पेसिफिक बेस कैसे चेंज हो, जैसे एआईडी कर रहा है अपने इन्वेडर्स में, देखिए कह रहा है कि आप जो इसका साइटोसिन है उसको किसमें चेंज कर दो, यूरेसिल में चेंज कर दो, इसके साइटोसिन को यूरेसिल में चेंज कर दो, याद रखोगे साइटोसिन यूरेसिल में चेंज कर दो। अब ये यूरेसिल जो है वो डीएनए में का जो रेप्लिकेशन होगा तो थाइमिन की तरह काम करेगा, और थाइमिन से क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, मतलब और पहले यहां पे क्या रहा होगा, सीजी रहा होगा। तो अब एक चीज देखो, ये किसमें चेंज हो गया, सीजी चेंज हो गया किसमें, टीए में, तो ये हो गया ना आपका ट्रांजिशन कि भाई जो साइटोसिन रहा होगा वो यूरेसिल में चेंज कर दिया इस सिस्टम से। यूरेसिल किसकी तरह एक्ट करेगा, रेप्लिकेशन ऑफ थायमिन की तरह, थायमिन से क्या बनेगा, एडेनिन। तो मतलब जहां पे सीजी रहा है वो किसमें चेंज हो गया, टीए में। तो देखिए हमने क्या चेंज किया, स्पेसिफिक बेस, ना ही हमने कोई क्या किया, कोई ब्रेक नहीं किया, तो इसे बोलते हैं बेस एडिटिंग, मतलब हमने क्या किया, बेस को एडिट कर दिया, ना भारतों को इंसर्ट किया ना हमने डबल स्टैंड ब्रेक किया, जो कि किसमें होना था, जीनोम एडिटिंग के क्रिस्पर कैस9 सिस्टम में। ये एक्चुअली में बेस एडिटिंग है जिसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मतलब कंपेयर आपको देखो, जीनोम एडिटिंग का क्रिस्पर कैस सिस्टम आना बहुत जरूरी है बेस एडिटिंग के समझने के लिए, ठीक। जैसे वहां पे जो कैस सिस्टम था कैस9, वो आपका जो भी गाइड आ रहे हैं या जो भी भारत से इंसर्ट कर रहे हैं उसको लैंडिंग करवा रहा है किस पे, टारगेट डीएनए पर। ऐसे ही यहां पे जो क्रिस्पर कैस सिस्टम है, ये कैस सिस्टम है, कैस9 क्या कर रहा है, इस एआईडी की किस पे लैंडिंग करवाएगा, अपने टारगेट डीएनए पे, और ये अपना एआईडी वहां पे काम कर लेगा किसका, जो भी आपको वहां पे साइटोसिन को यूएसए से हटाना थे। इसीलिए देखो, इसीलिए कहीं कहीं आप लिखा देखोगे कि जो ये बेस एडिटिंग है, इसीलिए इसकी वजह से उसको कहीं कहीं नाम दिया गया टारगेट एआईडी, उसको नाम दिया गया टारगेट एआईडी, ठीक है, या फिर देखो इसको उसको नाम दिया गया क्रिस्पर एआईडी, समझ गए आप, क्यों, क्योंकि ये हो गया हाइब्रिड सिस्टम, बैक्टीरिया का क्रिस्पर सिस्टम दिया लेकिन उसको डिसेबल कर दिया कैस9 को, और वर्टिब्रेट का एआईडी सिस्टम लिया, इसलिए कहीं कहीं बेस एडिटिंग को टारगेट एआईडी, एक्टिवेशन इंड्यूस डीएमिनेज या क्रिस्पर एआईडी कहीं कहीं आप उसे लिखा देखोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो इसका पेपर जरूर पढ़िएगा, पेपर पढ़ोगे तब आपको पूरा ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या था कि जो साइंटिस्ट था ना, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग नाम डेविड लुई,
इसका सबसे पहले पेपर आया था 2016 में, ठीक है, बेस एडिटिंग का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। तो देखो हम जो प्लाज्मिड वेक्टर्स यूज करने वाले हैं उन प्लाज्मिड वेक्टर्स को ही, जो प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं उन प्लाज्मिड वेक्टर्स को ही हम इसमें बोल रहे हैं बेस एडिटर्स। क्या बोल रहे हैं? बेस एडिटर्स मतलब जो बेस एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बीई। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो पूरा चैप्टर आगे इस टर्म पे चलेगा बीई पे, बेस एडिटर्स पे, मतलब बेस एडिटर्स ये जो कि साइटोसिन को यूरेसिन में चेंज कर रहे हैं या एडिनोसिन को ग्वानिन में चेंज कर रहे हैं, जो भी मैं आगे बताने वाला हूं, तो बेस एडिटर्स वो क्या आपके प्लाज्मिड वेक्टर्स, इन्हीं को बेस एडिटर्स ही मतलब पूरी बेस एडिटिंग आगे, अब ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बेस एडिटर किसके लिए यूज होते हैं? सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, बेस एडिटर किसके लिए यूज होते हैं? सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। अब देखना कि सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है ना, ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूं इस चैप्टर, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अब मैं बात करने वाला हूं बेस एडिटर्स की, अब देखो मैं आपको एक मोटा मोटा सा बता देता हूं जैसे कि इसका जो चैप्टर है वो कैसे चलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली देखो जो बेस एडिटर्स है ना वो दो टाइप, दो चीज में क्लासिफाई होने वाले हैं, डीएनए, डीएनए बेस एडिटर और आरएनए बेस एडिटर, ठीक है, आरएनए बेस एडिटर, ठीक है, दो में मेन हम पढ़ेंगे डीएनए बेस एडिटर, ठीक है। अब डीएनए बेस एडिटर में हम मेन पढ़ने वाले हैं एक तो साइटिडिन बेस एडिटर, साइटिडिन बेस एडिटर मतलब साइटोसिन को यूरेसिन में बदलना, और एक हम पढ़ने, इसको हम बोलने वाले सीबी साइटिडिन बेस एडिटर, और दूसरा होता है एडिनिन बेस एडिटर, एडिनिन मतलब ए बी एडिनिन बेस एडिटर हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो साइटिडिन बेस एडिटर है उसमें हम पढ़ेंगे चार, बी वन मतलब फर्स्ट जनरेशन बेस एडिटर, सेकेंड जनरेशन बेस एडिटर और थर्ड जनरेशन बेस एडिटर और फोर्थ जनरेशन बेस एडिटर, ये चार पढ़ने वाले, ठीक है, एडीएनए बेस एडिटर में ऐसा। और आरएनए बेस एडिटर में दो सिस्टम पढ़ने वाले हैं, एक तो रिपेयर आर ई पी ए आई आर, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या है, और एक सिस्टम हम पढ़ने वाले रेस्क्यू, आर ई एस सी यू ई। अब हमारा जो पूरा चैप्टर है वो ऐसे चलेगा, हम बेस एडिटर्स की पढ़ रहे हैं क्योंकि बेस एडिटिंग का मेन आधार ये है ना, हम डीएनए के बेस एडिटर, आरएनए के बेस एडिटर। देखो जो क्रिस्पर कैस सिस्टम था वो मेनली किसके लिए था? डीएनए के लिए था, ठीक है। जो हमारा बेस एडिटिंग सिस्टम है उसमें डीएनए को एडिट किया, और मान लो कहीं कहीं आप डीएनए को एडिट नहीं कर पा रहे तो उन्होंने आरएनए के एडिट करने के लिए भी सिस्टम बनाया जिसको हमने दोबारा बांटा। अब डीएनए में आप साइटोसिन को यूरेसिन में चेंज कर सकते हो, तो वो तो होगा साइटोसिन बेस एडिटर से साइटोसिन को यूरेसिन में, या फिर एडिनोसिन को ग्वानिन, क्योंकि यही तो मेन ट्रांजिशन है आपके, ठीक है। तो एडिनिन बेस एडिटर, साइटोसिन बेस एडिटर, इसमें चार जनरेशन है, पहले जनरेशन इससे अच्छा, सेकंड जनरेशन है, सेकंड से इंप्रूव करके थर्ड बनाया गया, थर्ड को इंप्रूव करके फोर्थ बनाया गया। तो ये क्यों बनाया गया? क्यों जैसे इसमें कुछ कमी आती है, मतलब कि कुछ ऑफ टारगेट म्यूटेशन आ रहे होंगे या एफिशिएंसी कम होगी, इसलिए सेकंड जनरेशन बेस एडिटर बनाया गया। इसमें और कुछ कमी होगी कि और एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो बेस एडिटर 3 बनाया गया, और बेस एडिटर 3 से जो सबसे अच्छी क्वालिटी के बेस एडिटर और उसके आगे भी और भी बनाए गए, ठीक है ना, ये आ जाते हैं। अब देखो अब ये क्लासिफिकेशन हम बेस एडिटर 1 से पढ़ने वाले हैं और साइटेडिन बेस एडिटर पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो मैं पूरा नहीं मिटाता हूं, मैं यहीं से देखो तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? साइटोसिन बेस एडिटर, ठीक है ना, ये वाला मैं लिख देता हूं यहां पे, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं साइटोसिन बेस एडिटर, ठीक है ना, साइटोसिन बेस एडिटर पढ़ रहे हैं। इसको कोई भी पेपर पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा जाएगा? सीबीई लिखा जाएगा, ठीक है। तो साइटोसिन बेस एडिटर का मेन काम क्या है? साइटोसिन को डीएमिनेशन के थ्रू किसमें बदलना? यूरेसिल में बदलना। क्यों? क्योंकि यूरेसिल जब डीएनए रेप्लिकेशन के समय किसकी तरह काम करेगा? थायमिन की तरह, और थायमिन से क्या बनेगा? एडिनिन। तो आपका जो सीजी है, सी डॉट जी, ये किसमें चेंज हो गया? टी डॉट डबल ए, मतलब सीजी किसमें चेंज होगा? टी ए, ठीक है ना। अब देखो हाँ, अब साइटोसिन बेस एडिटर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेस एडिटर वन, बेस एडिटर वन, ये कौन से हैं आपके? फर्स्ट जनरेशन बेस एडिटर,
था जो सबसे पहले डेविड लुई ने 2016 में बनाई थी, ठीक है ना, बाद में इंप्रूव करके उन्होंने और भी बनाई, ठीक है। हाँ देखो, मैंने आपको बेसिक में आपको बता चुका हूं क्या, जब मैं हाइब्रिड सिस्टम बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि DCas9 जो न्यूक्लियस डेफिशिएंट क्रिस्पर सिस्टम DCas9 उसको किसके साथ अटैच किया गया, AIID के साथ में। तो बेसिक जो है वो यही रहेगा, थोड़ा थोड़ा इसमें जो चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। बेसिक क्या रहेगा, बेसिक क्या है आपका, बेसिक आपका ये है कि देखिए जो DCas9 है, DCas9 उसको किसके साथ अटैच किया गया, AIID के साथ। ये बेसिक है आपका जो कि सब में चलने वाला है, ठीक है। AIID क्या कर रहा है, C को U में चेंज कर रहा है, और Cas9 के DCas9 क्या कर रहा है, कोई डबल स्टैंड ब्रेक नहीं कर रहा क्योंकि डिसेबल कर दिया, बस इसकी लैंडिंग करा रहा है उसके, ठीक है। हम पढ़ने वाले पढ़ने से देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे काम करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे काम करते हैं, ठीक है ना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सर हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आ कैसे रहा है, हमारा तो लैंडिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए को होगा ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो जैसे DCas9 ले लो या Cas9 ले लो आप जीनोम एडिटिंग, ठीक है, मेरे को जीनोम एडिटिंग के लेक्चर में जाएंगे आपको और समझ में आएगा कि जब Cas9 जो वहां पर गाइड आरएनए को, देखो ठीक है, हाँ मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे गाइड आरएनए को भी साथ में लेके जाएगा, यह तो आपको जीनोम एडिटिंग में पता है, ठीक। तो जो Cas9 क्या करता है, जब गाइड आरएनए या फिर AIID इनकी जब लैंडिंग कराता है किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, तो जो गाइड आरएनए होता है इसका कुछ पार्ट डीएनए से पेयरिंग करता है तो उसमें आर लूप बन जाता है। आर लूप बन जाता है मतलब कि कुछ जो डीएनए का पार्ट है उसमें डीएनएचुएशन होकर सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट बन जाता है, और सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट पर ये अपना AIID काम करता है, ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसको वीडियो को पॉज करके सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो हाँ, तो अब इसमें क्या करते हैं, साइटिडीन डीएनए, जो साइटिडीन डीएमिनेज है उसको हम किसके साथ में जोड़ देते हैं, DCas9 के साथ, ठीक है। अब मैं एक साइटिडीन डीएमिनेज का नाम बता देता हूं आपको, APO BEC1, ये किससे लिया गया था, रेड से, हम क्योंकि मैं पहली बार बता दिया आपको कि वो किससे लिए जा रहे हैं, व्हाट इज रेड से लिए जा रहे हैं, तो कई सारे साइटिडीन डीएमिनेज चेक किए गए और इसमें APO BEC1 सबसे अच्छा गया, ठीक है। तो DCas9 में कार्बोक्सी जो अमीनो टर्मिनस चेन होती है, तो अमीनो टर्मिनस चेन से ये जोड़ दिया गया रेड का बोट, ठीक है ना, जोड़ दिया है। अब देखो ये आपको पता ही है, अब मैं आपको एक चीज बड़ा जोड़ देने वाला हूं बाद में जाके, जो साइटिडीन डीएमिनेज है, ठीक है, वो वर्टिब्रेट्स में नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली किसमें प्रेजेंट रहता है, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहता है, आपको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा अब देखो एक चीज, जो साइटिडीन डीएमिनेज है उसको जो DCas9 के साथ में जो अटैच कर रहे हैं, तो एक लिंकर के साथ में अटैच कर रहे हैं, ठीक है, उस लिंकर का मैं आपको नाम बता रहा हूं, तो नाम है XTEN लिंकर, ठीक है। ये क्या होता है, आपको बायोडिग्रेडेबल होता है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं बेस एडिटर वन की, जो कि फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आप सारे ही बेस एडिटर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में काम करते पहले, ठीक। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट है जैसे रेट है उससे हमने साइटिडीन डीएमिनेज ले लिया, जैसे कि मैंने APO BEC1, मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि जब आप रिव्यू पेपर रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो वहां नाम देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने साइटिडीन डीएमिनेज लेके किससे कनेक्ट कर दिया, डिसेबल्ड Cas9 से। इसको डिसेबल्ड क्यों किया, क्योंकि जिससे कि Cas9 कोई डबल स्टैंडर्ड ब्रेक नहीं कर सके। हमने पहले बोल दिया कि जो जीनोम एडिटिंग होती है नॉर्मल क्रिस्पर Cas9 वाली, उसमें जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है हमें उसको रोकना है, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग हो या फिर HDR हो, क्यों, क्योंकि HDR की हमारे पास अच्छा डिलीवरी सिस्टम अभी नहीं है। तो हमने इसके साथ उसको लिंक कर दिया, तो लिंक किसकी हेल्प से किया, XTEN लिंकर की हेल्प से, ये आपको पेपर नाम मिलेगा। और जो XTEN लिंकर आप सोचते होंगे कि भाई इसका क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, पहली बात तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है, प्लस ये जो फ्यूजन प्रोडक्ट है इसकी हाफ लाइफ को बढ़ा देता है, तो XTEN वो बायोडिग्रेडेबल है और इसकी जो हाफ लाइफ है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ये याद रखिएगा आप तक, ठीक है ना। अब देखो अब मैंने आपको मोटा मोटा सा बोलूं तो मैं आपको यहां ये बोल सकता हूं कि मैं AIID साइटिडीन डीएमिनेज प्लस DCas9 प्लस SG स्मॉल गाइडेड आरएनए, ये मैं बोल सकता हूं आपको, ये क्या है, बेस एडिटिंग वन के कंपोनेंट है। ये क्या कर रहा है आपका, ये तो आपको पता ही है, साइटोसिन को यूरेसिल में चेंज कर रहा है, ठीक है।
तो ये आपके कोई पूछे बेसिक एडिटिंग वन के कंपोनेंट क्या है, तो साइटिडिन डीएमए इंडिव्यूजन डीकेएस9 एसजीआरएनए, तो जो जीनोम एडिटिंग में यूज होता है वो तो आपका यूज होना ही है, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब देखो मैं आपको बड़ी मस्त बात बताने वाला हूँ। क्या मैं आपसे कह रहा था फिर बेस एडिटिंग वन में कुछ ड्रॉबैक थे, इसलिए क्या बनाया गया था, जो डेविड लुई ने बेस एडिटिंग 2 मतलब सेकंड जनरेशन बेस एडिटर सिंथेसाइज किए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो बेस एडिटर 1 थे उसमें क्या ड्रॉबैक थे, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक क्या आते हैं, अब एक चीज देखिए, मान लो ये सिस्टम आपने इंसर्ट किया और जो डीएनए वहां पे उन्होंने साइटोसिन को यूरेसिल में चेंज कर तो दिया, लेकिन यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता कि सर जब ये सिस्टम साइटोसिन को यूरेसिल में चेंज करेगा तो जो प्लांट जो सेल्स हैं उनको ऐसा फील नहीं होगा कि डीएनए का डैमेज हुआ है और वो उस डैमेज को रिपेयर नहीं करेंगे, मतलब कि वापस साइटोसिन को यूरेसिल में यूरेसिल को साइटोसिन में चेंज नहीं करेंगे क्या? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक सिस्टम होता है प्लांट में, कौन सा, बेस ऑक्सीजन रिपेयर, बीईआर, बेस ऑक्सीजन, या आपने म्यूटेशन वाला कभी चैप्टर पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा बेस, मैंने भी म्यूटेशन वीडियो बना रखी है, तो बेस ऑक्सीजन रिपेयर सिस्टम होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर जिसमें एक एंजाइम होता है यूएनजी, ये कौन सा एंजाइम है, यूरेसिल एंड ग्लाइकोसाइलेज, मैं लिख देता हूं पूरा नाम, यूरेसिल एंड ग्लाइकोसाइलेज, ये एंजाइम होता है। तो ये एंजाइम क्या करता है कि यूरेसिल को बाद वापस किसमें चेंज कर देता है, साइटोसिन, ठीक है। तो इसका मतलब बेस एडिटर जो हुआ है उसकी सबसे बड़ी कमी क्या हो गई कि सर साइटोसिन को यूरेसिल में आप चेंज कर तो दे रहे हो लेकिन प्लांट के अंदर जो बेस ऑक्सीजन रिपेयर सिस्टम है जिसमें जो एंजाइम होता है यूरेसिल एंड ग्लाइकोसाइलेज वो साइटोसिन को वापस यूरेसिल को वापस साइटोसिन में चेंज कर देगा। तो मतलब ये पहला ड्रॉबैक हो गया किसका, बीई वन का, ठीक है ना। अब देखो दूसरा, ठीक है, अब देखो जब आप कोई भी बेस एडिटिंग का रिसर्च पेपर रिव्यू पेपर पढ़ोगे तो वहां टर्म आएगा टारगेट विंडो, बार बार आप इस टर्म को सुनोगे टारगेट विंडो, ठीक है, टारगेट विंडो, ठीक है। अब देखो टारगेट विंडो मतलब कि अब देखो आप चाह तो रहे हो कि भाई हमारा एक पर्टिकुलर पोजीशन है वहां पर ये सिस्टम साइटोसिन को यूरेसिल में चेंज करे, लेकिन आपको तो पता है ना कि जैसे मान लो जी सी ए टी मान लो और फिर साइटोसिन आ गया, तो साइटोसिन तो एक पोजीशन से अगर दूसरी पोजीशन पे भी होगा, मतलब टारगेट विंडो मतलब जहां पर मॉडिफिकेशन करना है विंडो में दूसरी जगह भी तो साइटोसिन होगा, ठीक है, तो उस साइटोसिन को भी तो ये यूरेसिल में चेंज कर सकता है। तो मतलब बेस एडिटर वन का दूसरा ड्रॉबैक क्या आ गया कि सर साइटोसिन मल्टीपल लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकता है और साइटोसिन को भी वो यूरेसिल में चेंज करेगा, तो दो ड्रॉबैक आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एक चीज यहां से याद रखिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां से जब टारगेट विंडो का कंसेप्ट आ गया है इसीलिए क्या कर रहे हैं हम कि जो कैश नाइन बना रहे हैं वो इस तरीके से और इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, कैश में सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन हो रहे हैं कि भाई जो टारगेट विंडो है ना उसको साइज रिड्यूस करो आप, ये ज्यादा मान लो ये 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड के तो 1 to 2 न्यूक्लियोटाइड करो उसे, जिससे कि ऑफ ट्राइड टारगेट प्रोडक्ट नहीं आए, क्योंकि जो मैंने आपको बेस एडिटर वन के जो बताए ड्रॉबैक उससे आपको ऑफ टारगेट इफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि दो ड्रॉबैक मैंने आपको बताए। तो इन ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम आया, बेस एडिटिंग 2 जो कि डेविड लुई ने बनाया था अपना, ठीक है। अब हम बात करने वाले, देखो साइटोसिन बेस एडिटर ही चल रहा है उसमें हम बीई2 की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो हम करने वाले हैं बेस एडिटर 2 सेकंड जनरेशन बेस एडिटर, ठीक है। तो जो पहली प्रॉब्लम थी किसकी, बेस एडिटर 1 की, कि भाई जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है वो यूरेसिल को वापस साइटोसिन में चेंज नहीं कर दे, इसका मतलब जो एंजाइम है कौन सा, यूरेसिल एंड ग्लाइकोसाइलेज, इस एंजाइम को इनहिबिट करना बहुत जरूरी है। आपने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया कि जो बैक्टीरियोफेज है, एक बैक्टीरियोफेज था, ठीक है, उस बैक्टीरियोफेज से एंजाइम निकाला गया कौन सा, यूजीआई, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज इनहिबिटर, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज इनहिबिटर, ये एंजाइम निकाला गया बैक्टीरियोफेज ने अपने बचाव के लिए, बनाया ना, जब वो बैक्टीरिया पे किसी पे वर्टिब्रेट पर किसी पे अटैक कर रहा है, तो यहां पे क्या किया गया कि जो यूजीआई लिया गया और उसको किसके साथ कंबाइन किया गया, डीकेएस9 के साथ, तो आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई,
भाई आपने यूजीआई लिया वेक्टर कैसे यूरेसिल ग्लाइकोसाइल इनहिबिटर और डीकैसेनेज से कंबाइन किया, तो जो आपकी वो प्रॉब्लम थी कि यूरेसिल वापस साइटोसिस में चेंज हो जाए वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, ठीक है। फिर अब और दूसरा देखो, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो टारगेट विंडो था उसका साइज साइज बड़ा था जिससे कि मल्टीपल जगह पे साइटोसिन आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया गया, उस जो टारगेट विंडो थी, जो टारगेट विंडो थी उसके साइज को रिड्यूस किया गया, किसमें, बी टू में। लेकिन वो प्रॉब्लम देखिए बी टू के साथ भी, याद रखिएगा जो ये प्रॉब्लम है वो बी टू के साथ में टारगेट विंडो वाले में थोड़ा इंप्रूव किया गया। ठीक, अब देखिए चीज, अब क्या हुआ, अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर बी टू ठीक है तो बी थ्री क्यों आया, मतलब बेस एडिटर थ्री थर्ड जनरेशन बेस एडिटर आया तो इसका मतलब बेस एडिटर टू में कुछ ना कुछ कमी है। तो देखो कमी क्या है, सबसे पहली कमी तो आपकी यही हो गई, एक तो टारगेट विंडो वाली कमी हो गई। दूसरी कमी क्या है कि जो बेस एडिटर वन और बेस एडिटर टू है, मैंने पहले ही बोला आपको कि भाई ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे काम करते हैं, इसका मतलब कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड है तो आप दोनों स्ट्रैंडों को एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही स्ट्रैंड पर एडिट कर रहा है। तो इसका मतलब आपके पास कोई एक ऐसा एंजाइम चाहिए था जो कि डीएनए के उस स्ट्रैंड पर नहीं कर सके जो कि नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट है। ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सा आया, बी थ्री आया। हमें आपको बी थ्री बताता हूं, ठीक है ना। देखो आप जब तक इसका रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर नहीं पढ़ोगे आपको समझ में आना बहुत टफ है। ठीक है, इसको मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है इसलिए बड़ी मुश्किल से थोड़ा मुझे समझ में आने लगा है। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूं बेस एडिटर थ्री। ठीक है, अब देखो एक चीज, तो बेस एडिटर थ्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किया गया वो क्या किया गया कि अब तक जो हम डी कैस नाइन पढ़ते आ रहे हैं, डी कैस नाइन जैसे कैस नाइन, उसको चेंज कर दिया गया एन कैस नाइन में। इसको बोलते हैं कैस नाइन निकनेज, निकनेज, निकनेज। तो ये क्या करता है आपका कि जो डीएनए का नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर निक करता है, निक करता है, क्या करता है, निक करता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। डीएनए का जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड उस पर निक क्रिएट करता है कैसे निकले। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे सर हमारे पास तीन चीज हो गई क्या, कैस नाइन हमारे पास, सॉरी ये ठीक है डी कैस नाइन, ठीक है, और एक हो गया कैस नाइन। अब हमारे पास तीन चीज हो गई सर, कैस नाइन, डी कैस नाइन और एन कैस नाइन। ठीक है, तो सर इसमें अंतर क्या हुआ, तो अंतर क्या हुआ, देखो जो कैस नाइन होता है ना, ये मान लो कि उसके अंदर दो डोमेन होते हैं, डोमेन वन और डोमेन टू, जो कि कैस नाइन के फंक्शन के लिए जरूरी है, दो डोमेन होते हैं। ठीक है, अब डी कैस नाइन का मतलब क्या है कि डी कैस नाइन का मतलब है कि डी कैस नाइन का मतलब है जब कैस नाइन के दोनों डोमेन को खत्म कर दिया जाए, दोनों डोमेन को ब्लॉक कर दिया जाए तो बनता है डिसेबल कैस नाइन। ठीक है, और एन कैस नाइन का मतलब है कि इसके दो डोमेन है, किसी भी एक डोमेन को खत्म कर दो चाहे वन को चाहे टू को, तो क्या बनता है कैस नाइन निकनेज है एन कैस नाइन। ये आप जब पेपर पढ़ोगे आपको क्लियर उसमें मिल जाएगा, कैस नाइन मतलब जिसके अंदर दो डोमेन होते हैं जो किसी फंक्शन के जरूरी है, तो दोनों को अगर आप ब्लॉक कर देते हो तो बनता है डिसेबल्ड कैस नाइन, और किसी एक को आप ब्लॉक करते हो तो क्या बनता है एन कैस नाइन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक, हाँ ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, देखो जब भी आप बेस एडिटिंग का पेपर पढ़ोगे तो जहां पर आपको कैस नाइन निकनेज लिखा होगा वहां पे ये चीज लिखी मिलेगी आपको, डी टेन ए एच एट फोर जीरो ए, ये आपको लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि जब डी कैस नाइन को जब एन कैस नाइन में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, तो हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ म्यूटेशन कराना है, कैसे कि इसके अंदर जो एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट है जो अमीनो एसिड, एस्पार्टेट को डी से दिखाते हैं और जो एस्पार्टेट है उसको हम चेंज कर देते हैं एलेनिन में, किसमें एलेनिन में, तो इस डी का मतलब है कि जो एस्पार्टेट था डी कैस नाइन में उसको हमने किसमें चेंज कर दिया एलेनिन में, और टेन का मतलब क्या है टेंथ पोजीशन पे जो था, याद रहेगा। और इसका मतलब है कि या तो डी कैस नाइन कर लो या ये कर लो, इसके अंदर जो हिस्टिडीन था एच
कौन से पोजीशन पे, 840 पोजीशन पे, उसको किसमें चेंज कर दिया, ए में। तो उसके करने से डी कैस नाइन किसमें चेंज हो गया, एन कैस नाइन, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि भाई जो B3 है उसके कंपोनेंट क्या है, अब मुझे कंपोनेंट बताइए, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट क्या हो गया आपका AID, ये मैं ब्रैकेट में APOBEC1 लिख देता हूं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, रेड से लिया गया था। प्लस अब मैं यहां क्या लिखूंगा, B3 में DCas9 नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा NCas9 प्लस UGI, यूएसए ब्राइट कोले इनहिबिटर, ठीक है। यदि मैं B2 का लिखता तो NCas9 की जगह बस DCas9 हो जाता, ठीक है। तो मैं इस बार के लिए कंपैरिजन के लिए लिख देता हूं, ठीक है। कंपैरिजन के आपको याद रहेगा, ये तो हो गया मान लो B2 का, ठीक है, ये हो गया B2 का। और मैं B3 का लिखता हूं कंपोनेंट, तो B3 का कंपोनेंट क्या होगा, वही AID प्लस NCas9 प्लस UGI। देखिए कितना बढ़िया अंतर है, B2 में क्या होगा, वही AID साइटिडिन डीएमएनए प्लस DCas9 प्लस यूरेसिल ग्लाइकोलिसिस। तो DCas9 का पता लग गया, डबल स्टैंड ब्रेक नहीं करेगा, UGI मिसमैच रिपेयर सिस्टम को रोकेगा। हमने यहां क्या किया, बस DCas9 को किसमें चेंज कर दिया, NCas9 में। तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रैंड में भी लिंक कर देगा जिस जो कि नॉन टेम्पलेट है। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे, सर जब B3 ठीक था तो B3 से BE4 क्यों आया, सही बात है। तो देखो जो B3 था उसमें कुछ और ऑफ टारगेट म्यूटेशन बन रहे थे उनको, मतलब कि जो UGI था वो काम नहीं कर पा रहा था। तो हमने बस क्या किया, B4 में, मैं B4 का लिख रहा हूं, इसमें हमने क्या किया, वही AID, देखो ये B4 का लिख रहा हूं, AID था प्लस NCas9 था यहां तक, ठीक है, प्लस UGI था। बस इसमें क्या कर दिया, और एक और एक या दो और UGI जोड़ दिए गए बस, जिससे कि जो ऑफ टारगेट प्रोडक्ट है उनको और कम किया जा सके। तो बेस एडिटर फॉर्मेट में क्या किया, AID था, NCas9 था, UGI था, और एक कॉपी UGI जोड़ दी गई, यूरेसिल ग्लाइकोलिसिस इनहिबिटर। तो ये आपके क्या आ गया, बेस एडिटर 4 आ गया। तो ये क्या आते हैं आपके CBE, साइटोसिन बेस एडिटर, साइटोसिन को यूरेसिल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज यहां बता देता हूं, मैं इससे पहले कि मैं जो एडमिन बेस एडिटर थी एडी थी उस पे आपको 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 एक चीज बता देता हूं यहां पे। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देखो कि जो B1 B2 B3 B4 तो थे, इसके अलावा देखो कुछ और बनाए गए थे, वो क्या बनाए गए थे आपके, इनहेंस बेस एडिटर, इनहेंस बेस एडिटर मतलब कि और अच्छी क्वालिटी के बेस एडिटर, या फिर HFE कहीं पे लिखा रहेगा आपको पेपर जब देखोगे, HFE मतलब हाई फिडेलिटी, मतलब इनकी फिडेलिटी ज्यादा हो, तो हाई फिडेलिटी बेस एडिटर, ठीक है। तो इनहेंस बेस एडिटर, हाई फिडेलिटी बेस एडिटर, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो बेस एडिटर था उसको उन्होंने किस किस क्या जोड़ दिया, बस GM प्रोटीन फाइल, एक GM प्रोटीन था वो इसके अंदर ऐड कर दिया बस। तो GM प्रोटीन क्या था, एक फेज थी MU, फेज मतलब वही वेक्टर फेज MU, उससे ये लिया गया था, ये क्या था, एक DNA बाइंडिंग डोमेन है, DNA बाइंडिंग प्रोटीन या डोमेन है, ठीक है ना, ये DNA बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। तो उन्हें इनहेंस बेस एडिटर कहा गया, बस ये क्या करता था, आपको कुछ नहीं करता, जो इंडेल्स है ना, जो स्मॉल इंसर्शन डिलीशन ट्रांसलोकेशन जो ऑफ टारगेट प्रोडक्ट है उनको ये रिड्यूस करता है, बस सीधी बात है, उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये काम ये क्रिस्पर में भी कर रहा था, जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक था उसमें जुड़ जा रहा था उसके एंड पे, और जो ऑफ टारगेट प्रोडक्ट उनको कम करता था, उन्हें कहा गया एनहेंस बेस एडिटर, मतलब कि जो बेस एडिटर है ना उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है बस, ठीक है ना। अब देखो अब हाँ ये मेरे DNA बेस, अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, देखो मैं बेस एडिटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट सेम है, बस आप दो तीन पेपर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बात कर रहा हूं एडिटिंग बेस एडिटर की, बेस DNA में दो थे, साइटोसिन बेस एडिटर और एडिटिंग बेस एडिटर, ABE
मैं आपको थोड़ा सा बात करूं एडमिन बेस एडिटर। देखिए जब डेविड लुई ने 2016 में पहला पेपर है दिया तो कई पेपर साइटेडिन बेस एडिटर दिए थे, मतलब उन्होंने साइटेशन को यूएसए में चेंज करने सोचा, लेकिन 2017 में जब बाद में पेपर आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना एडिनोसिन को गुआनोसिन में चेंज किया जाए, तो वहां से कंसेप्ट आया एडेनिन बेस एडिटर। ठीक है, एक तो देखो एडेनिन बेस एडिटर का काम क्या करता है, आपको एडेनिन को आयनोसिन में चेंज करना है एक्चुअली, और आयनोसिन को कहते हैं कि गुआनोसिन, पढ़ के देखो आप गुआनोसिन तरफ पढ़ो। ठीक है, तो जो ये एक से जुड़ता है टी से, ठीक है, तो गुआनोसिन से जुड़ा, तो गुआनोसिन जो रेप्लिकेशन के समय किससे जुड़ेगा, सी से, तो मतलब अल्टीमेटली जो ए टी था आपका किसमें चेंज हो गया, जी सी में। तो ये किसका फंक्शन है, एडेनिन बेस एडिटर का, ए टी को जी सी में चेंज कर देगा। ठीक है, तो जैसे वहां पे हमें साइटोसिन को यूरेसिल में चेंज करने के साइक्लिडिन डीएनए एंजाइम चाहिए था, तो यहां पे एडेनोसिन को एडेनिन को आयनोसिन में गुआनोसिन में चेंज करने के कौन सा एंजाइम चाहिए, एडेनिन डीएनए, कौन सा एंजाइम चाहिए, एडेनिन डीएनए। अब यहां से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कहानी, देखो कि जब हमें साइक्लिडिन डीएनए एंजाइम की जरूरत थी, ठीक है, तो हमने साइक्लिडिन डीएनए एंजाइम मैंने आपको बताया था किससे निकाल लिया, रेड से, मतलब वर्टीब्रेट से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ए पी ओ बी सी का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एडेनिन डीएनए एंजाइम है, एडेनिन जो डीएनए एंजाइम है ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता वर्टीब्रेट है किसी भी, एडेनिन डीएनए एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब कि इसको हमें सिंथेटिक लेबोरेटरी में बनाने की जरूरत थी, यही डेविड लुई ने किया, लेबोरेटरी में बनाया इसको। ठीक है, तो लेबोरेटरी में किससे बनाया, टेडे से, टी ए डी टेडे से। ठीक है, देखो जो एडेनिन डीएनए एंजाइम नहीं होता नेचुरली, लेकिन जब आपने टीआरएनए पढ़ा होगा, ठीक है, टीआरएनए इसका मतलब भी यही है, टीआरएनए एडेनोसिन डीएनए एंजाइम, तो जो टीआरएनए होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वहां पे होता है ये कौन सा एंजाइम, एडेनिन डीएनए। ठीक है, तो इस जो टीआरएनए प्रोसेसिंग जो एडेनिन डीएनए एंजाइम होता है उसको यूज करके लेबोरेटरी में डेविड लुई ने कौन सा एंजाइम बनाया, डीएनए के लिए बनाया, एडेनिन डीएनए एंजाइम। ठीक है ना, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हाँ तो जो देखो मैं आपको किस तरीके से ये जो इनके पास कौन सा एंजाइम था टीआरएनए प्रोसेस में, आरएनए एडेनिन डीएनए ये एंजाइम था, क्योंकि ये टीआरएनए की एमिनेन चौथा, तो इसमें क्या यूज किया गया, प्रोटीन इंजीनियरिंग यूज किए गए। यहां कौन सी यूज की गई, प्रोटीन इंजीनियरिंग यूज की गई, और कौन सा एंजाइम बनाने का, सिंथेटिक डीएनए एडेनिन एमिनेन डीएनए। देखिए टॉपिक बहुत थोड़ा सा टफ है, तो इसको आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो आरएनए के अंदर जो आरएनए एडेनिन डीएनए था उसकी प्रोटीन इंजीनियरिंग के थ्रू क्या बना लिया, सिंथेटिक डीएनए एडेनिन एमिनेज। ठीक है, तो इसका मतलब यदि आप यहां पे डीकेएस9 यूज कर रहे हो तो डीकेएस9 की जगह के साथ इन्होंने क्या जोड़ा, टीएडीए। मैंने आपको बताया ना ये इन्होंने इक्वलाइज से लिया था शायद कोई ट्रांसफर एडेनोसिन डीएनए एंजाइम को। ठीक है, तो ये डीकेएस9 के साथ जोड़ा जिससे इन्होंने सिंथेटिक डीएनए ने एडेनिन एंजाइम बनाया, और बाद में ये जो एंजाइम था वो क्या करता है, वही जो एडेनोसिन है उसको किसमें चेंज करता है, आयनोसिन में। ठीक है, आयनोसिन को आप गुआनोसिन पढ़ोगे रेप्लिकेशन में, तो जिससे कि ये अल्टीमेटली किसमें चेंज कर देता है, साइटोसिन में। तो हमने ठीक है साइटोसिन में, तो एडेनोसिन ठीक है और ये गुआन, तो इसका मतलब ये जो थायमिन, तो एटी किसमें चेंज हो गया, सी जी में। ये मैं बताना चाह रहा हूं, एटी किसमें चेंज हो गया, सी जी में। तो हमारे पास दो तरह के वो हुए, यदि मैं बेस एडिटिंग की अब तक बात करूं, यदि आपको ओवरऑल मोटा मोटा बताऊं, तो मैंने एक एंजाइम के थ्रू साइटोसिन को यूरेसिल में चेंज किया है, और एक के थ्रू मैंने एडेनोसिन को गुआनोसिन में चेंज किया है, ये मैंने काम किया है अल्टीमेटली, यदि आप देखोगे दोनों बेस एडिटर के थ्रू। ठीक है, तो देखो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये थी बेस एडिटर किसके लिए, डीएनए के लिए। अब मैंने स्टार्टिंग में जब आपको मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था तो मैं बता रहा था कि भाई बाद में इन्होंने देखा गया, जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं आपको, यदि आप समझ पाए। ठीक है,
ये वही डबल स्टैंडर्ड डीएनए है आपका, ठीक है। तो देखो मैं बार बार पाम पाम की बात कर रहा हूँ, पीएम। तो ये देखो मान लो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, पाम सीक्वेंस है मान लो, प्रोटोस्पेशल एडजेसेंट मोटिव। ऐसा कहते हैं कि चाहे बेस एडिटिंग हो चाहे क्रिस्पर सिस्टम हो जीनोमेट्रिक, ये पाम सीक्वेंस बहुत जरूरी है किसके लिए, कैस नाइन के लिए, कि पाम सीक्वेंस को ही पहचान के कैस नाइन यहाँ पे लैंडिंग करवाता है किसकी, जो गाइड आ रहे हैं या फिर जो भी आपका क्रिस्पर आ रहे हैं या फिर साइडेड डीएनए, मतलब पाम सीक्वेंस के बिना जीनोमेटिक असंभव, ठीक है। और पाम सीक्वेंस जो जनरली आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे 5 डेज एनजीजी 3 डेज, मतलब कि ये आपका सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, वरना जीनोमेडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जो ये जो सीक्वेंस है वो एक्चुअली कैस नाइन का, मैंने आपको एक सीपीएफ वन भी पढ़ाया था, ठीक है, सीपीएफ वन। तो ये कैस नाइन का जो पाम सीक्वेंस है वो ग्वानिन लिंच है, तो सीपीएफ वन का होता थाइमिन लिंच, ठीक है, ये दोनों यूज किए गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने देखा कि यार जहां जहां पाम सीक्वेंस है वहां तो हम बेस एडिटिंग कर सकते हैं जीनोमेटिक, लेकिन जहां पाम सीक्वेंस नहीं है वहां बेस एडिटिंग कैसे करेंगे, मतलब कि डीएनए में जहां पाम सीक्वेंस नहीं है वहां बेस एडिटिंग बहुत टफ थी ना। तो उन्होंने सोचा कि यार अब आरएनए के अंदर की जाए बेस एडिटिंग, तो वहां से कंसेप्ट आया आरएनए बेस एडिटर, जो मैंने स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन बताया था आपको डीएनए बेस एडिटर आरएनए, तो इसलिए हम आरएनए बेस एडिटिंग जरूरत पड़ी है, याद रखिएगा आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखो यहां से हमें क्या जरूरत पड़ी, आरएनए बेस एडिटिंग की, ठीक है, आरएनए बेस एडिटिंग, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था इसमें दो सिस्टम होते हैं आरएनए बेस एडिटिंग के, इसमें इन्होंने जो यूज किए थे तो रिपेयर नाम दिया उसको, इसको फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको रिपेयर, ठीक है, इसका नाम दिया रेस्क्यू, ठीक है, इसके फुल फॉर्म आपको जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। रिपेयर की फुल फॉर्म क्या है, आरएनए एडिटिंग, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, आरएनए एडिटिंग ऑफ प्रोग्रामेबल, ठीक है, आरएनए एडिटिंग फॉर प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल मतलब कि आप खुद प्रोग्राम सेलेक्ट करके बनाते हो पा रहे, प्रोग्रामेबल एडेनिन टू आइनोसिन रिप्लेसमेंट, एडेनिन टू आइनोसिन, आइनो एस आई नो, ठीक है, आई और आर हो गया रिप्लेसमेंट, मतलब आपको क्या करना है, इस पे ध्यान देना है, इस पे ए आई मतलब एडिनोसिन टू आइनोसिन चेंज करना है। तो फुल फॉर्म क्या हुई, आरएनए एडिटिंग पी प्रोग्रामेबल एडिनोसिन टू आइनोसिन रिप्लेसमेंट, हमें क्या करना है एडिनोसिन को आइनोसिन में, और यहां पे क्या है सीयू पे ध्यान दो, सीयू मतलब साइटोसिन टू यूरेसिन, एक्चुअली बात तो वही है जो मैंने डीएनए में आपको दो बताया था साइटोसिन टू यूरेसिन एडिंग, तो रेस्क्यू की फुल फॉर्म आपकी क्या हो गई, आरएनए एडिटिंग फॉर स्पेसिफिक, तो आरई मतलब आरएनए एडिटिंग फॉर स्पेसिफिक साइटोसिन टू यूरेसिन एक्सचेंज, ठीक है, ये मतलब हो गया एक्सचेंज। तो आरएनए एडिटिंग फॉर स्पेसिफिक साइटोसिन टू यूरेसिन एक्सचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये क्या थे आपके दो आरएनए एडिटिंग थे, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं किया, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, रिपेयर में इन्होंने क्या किया, सेम चीज है यहां भी इन्होंने वही एडिनोसिन डीएमएन दिया, मतलब वही एआईडी एडिनोसिन डीएमएन जो मैं पहले प्लस ये मैं आपको बताऊंगा, और वो एसजीआरएनए जो वहां लिया था, बस अंतर किसमें था, कैस में, यहां दिया इन्होंने कैस 30, मतलब वो डी तो था डी कैस 30, बस वहां अब तक हम क्या लेते आते डी कैस 9, ठीक है, या एन केस 9, यहां पे उन्होंने क्या लिया डी केस 30, एक्चुअली केस 9 जो होता है वो डीएनए के लिए होता है सिंपली बात है, और केस 13 जो होता है वो आरएनए के लिए होता है, तो वही एआईडी लिया वही एचजीआरएनए लिया, बस उन्होंने यहां पे क्या लिया डी केस 30, ठीक है, यही किसमें चेंज था, यही रेस्क्यू में चेंज था, ठीक है ना, उसमें भी इन्होंने डी केस 13 लिया, ठीक है, बस एडिनोसिन की जगह यहां पे उन्होंने क्या लिया साइटोसिन डीएनए, ये एडिनोसिन डीएनए क्योंकि एडिनिन को चेंज करना है या किसको चेंज करना है साइटोसिन को, तो साइटोसिन डीएनए प्लस डी केस 30 प्लस एचजीआरएनए, ये इन्होंने लिया किसमें रेस्क्यू में, ठीक है। बाकी कुछ पेपर्स मैंने यूज किए थे, ये पेपर्स पढ़ सकते हो, ठीक है, तो
इसमें से मुझे लगता नहीं मैंने कुछ छोड़ा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें कोई पॉइंट जो मैंने नोट्स बनाए थे उनमें से कुछ छूटा हो तो ठीक है। डायरेक्ट वी वाला मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। ये आप पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ पेपर पढ़े थे इसमें, अब मैं बस आपको इसको कुछ बताने बचा नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा। देखो ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएससी पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए। कहीं भी वो पीएचडी के एंट्रेंस का इंटरव्यू देने जाते हैं तो कि भाई ये बेस एडिटिंग है, आपको पता तो होना चाहिए कि सर जीनोम एडिटिंग के इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो जो ये बेस एडिटर्स हैं, ठीक है, आपको बेस एडिटर्स एक्चुअली में क्या है, ये प्लांट जो प्लाज्मिड वेक्टर्स है, ठीक है। तो आपको बेस एडिटर्स को की प्लांट में एंट्री करानी पड़ेगी, उनका डिलीवरी करानी पड़ेगी, ठीक है। अब डिलीवरी के लिए देखो कई सारे मेथड्स हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम वाले हैं या प्रोटोक्लास्ट जो वाले मेथड है, लेकिन एक्चुअली उनमें प्रॉब्लम क्या है ना, उनमें प्रॉब्लम ये कि वो डीएनए फ्री मेथड नहीं है। हमें बाद में रियलाइज होगा कि कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जो डीएनए फ्री डिलीवरी मेथड हो। जब आप पेपर पढ़ेंगे तब आपको ये टर्म आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारे पेपर्स में एक ही दिया हुआ है मेथड में, आरएनपी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये डीएनए फ्री लाइपोसोम मीडिएटर मेथड है जो कि बेस एडिटर्स को प्लांट में एंट्री के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका बेस एडिटर्स वाला चैप्टर था जिसमें मैंने जीनोम एडिटिंग के कुछ लिमिटेशंस बताए, उसको कैसे बेस एडिटिंग ने दूर किया, ठीक है। फिर बेस एडिटिंग में डीएनए बेस एडिटर, डीएनए में साइटोसिन बेस एडिटर, एडेनिन बेस एडिटर। साइटोसिन में मैंने बेस एडिटर 1, 2, 3, 4 और कुछ एनहांस बेस एडिटर है, हाई फिडेलिटी बेस एडिटर बताया। एडेनिन बेस एडिटर मैंने बताया कि ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, तो जो टैगे था मतलब जो टीआरएनए प्रोसेसिंग के लिए जो आरएनए एडेनिन डीएनएस था उसको हमने यूज करके क्या बनाया, सिंथेटिक डीएनए एडेनिन डीएनए बनाया, ठीक है। आरएनए एडिटिंग के लिए मैंने रेस्क्यू सिस्टम बताया, रिपेयर सिस्टम बनाया, सेम सिस्टम है, बस वहां पे जो डी कैस 9 है एन कैस 9 यूज हो रहा है। यहां पे क्या यूज होता है, डी कैस 30, ठीक है, और साइटोसिन में साइटोसिन डीएनए, एडेनिन में एडेनिन डीएनए, ठीक है। तो ये चैप्टर था, ठीक है, जो कुछ गलती हो तो सॉरी, तो इसको अच्छे से पढ़ें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।